कई लोग पूछे भी कि आप ना घटते ना बढ़ते हैं, आप ये खाइए वो खाइए ये खाइए बादाम पिस्ता सब खाइए, सभी कुछ खाया हूँ और मेरा मतलब खाना पीना भी ऐसा है ना कि दबा के ऐसा नहीं कि भाई कम या कहीं ज्यादा, लेकिन ये बोलते हैं ना कुदरती देन है, क्या बात तो वैसे ही है। नमस्ते, ये तो मच्छर पहलवान है। बहुत ही अच्छी यादव जी, फेल लौटा दो अंकल जी का बटुआ। महाराष्ट्र पुलिस यानी MP या दिल्ली पुलिस यानी DP, कौन हो तुम? जीरो, अब लंबी लंबी सांसें लो और लो बस। पहले क्या सिंगम रिटर्न, सनम रे, फिर भारत, संजू, सुपर 30, जलेबी, फिर अभी आई है बंटी और बबली 2, फिर 2-3 फिल्में रिलीज होने वाली है, बड़ी बड़ी वेब सीरीज की हैं, कभी हमने सब्जी भी बेचे, रिक्शा भी चलाया, चाय भी बेचे। हाय, दिस इज अभिषेक खन्ना यार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर मॉडल, आप सभी लोग जॉइंट फिल्म चैनल सब्सक्राइब करें, जॉइंट फिल्म ऐप डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिंग फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्मों में आने के लिए, वेब सीरीज में आने के लिए, एड फिल्म में आने के लिए हमें ना बहुत खास तरह की पर्सनैलिटी चाहिए होती है, बहुत खास तरह का लुक चाहिए होता है, अगर वो ना हो तो काम नहीं मिलता है। लेकिन इस मिथ को मैं आज के वीडियो में तोड़ने वाला हूं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक मेरे साथ हैं, अभिषेक खन्ना। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स अभिषेक भाई। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी मेहनत से इतनी अच्छी बॉडी कैसे बनाई आपने? ये कहा जाए तो ये कुदरती देन होता है। कई लोग पूछे भी कि आप ना घटते ना बढ़ते हैं, आप ये खाइए वो खाइए ये खाइए बादाम पिस्ता सब खाइए, सभी कुछ खाया हूँ और मेरा मतलब खाना पीना भी ऐसा है ना कि दबा के ऐसा नहीं कि भाई कम या कहीं ज्यादा, लेकिन ये बोलते हैं ना कुदरती देन है, क्या बात तो वैसे ही है, मतलब वो टेंशन ही नहीं कितना भी खाओ। अच्छा, वो तो बात हो गई अलग, लेकिन एक बात ये है कि आपने इतने सारे ऐड किए, कितने सारे ऐड किए? कम से कम 300-350 के लगभग किए हैं। 300-350 ऐड, मतलब 50 की गिनती तो आई नहीं, भूल ही गए। उसमें जैसे TVC हो गए, प्रिंट हो गए, कॉर्पोरेट हो गए, डिजिटल हो गए, काफी सारे ऐड हो गए, जैसे अब वो सब मिला के 350 के लगभग। अच्छा, अभी भाई सारे एक्टर जब नए नए आते हैं ना तो वो बोलते हैं जहाँ भी एड फिल्म के लिए जाओ ना वहाँ बोलते हैं रिच लुक, अप मार्केट, है ना, इस ब्रैकेट को तोड़ कैसे डाला आपने? मेरे बड़े भैया बोले कि ना शक्ल है, ना सूरत है, ना हाइट है, ना बॉडी है, कौन देगा तुझे, कौन एक्टर बनाएगा? बोला ये भगवान एक ऐड दे दे, तो वो ऐड मिली थी ली जींस वाली, होर्डिंग लगे, मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो सबने बोले यार तेरे तो ऐड आ रहे हैं। बोला अरे वाह भगवान, दो दे दे। लालच बढ़ते बढ़ते मतलब 300-350 के लगभग कर लिए। और उसके साथ साथ आपने फिल्म भी की काफ़ी सारी? फिल्म की है, मतलब पहले ऐसा था ना कि एड फिल्म में अच्छा खासा रकम मिल जाता था और काम मेरा भी हो जाता है। हाँ, मतलब फेमस भी इतने हो गए थे तो हमने सोचे कि यार चलो ऐड में ही कमा रहे तो क्या देखें। फिर रुख किए सीरियल्स में, कंटिन्यूटी भी किए, कैमियो भी किए, जैसे सावधान इंडिया, फिर क्राइम पेट्रोल, फेयर फाइल्स, CID, जे ऐसे काफ़ी सारे सीरियल कंटिन्यूटी भी किए। फिर रुख किए कि चलो भाई एक फिल्म करते हैं, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे फिल्म करते गए तो बड़ी बड़ी फिल्में करते गए। कौन कौन सी फिल्में हुई अभी तक? पहले क्या सिंगम रिटर्न, सनम रे, फिर भारत, संजू, सुपर 30, जलेबी, फिर अभी आई है बंटी और बबली 2, फिर 2-3 फिल्में रिलीज होने वाली है, बड़ी बड़ी वेब सीरीज की हैं। तो जो अभिषेक मैंने शुरुआत की थी जहाँ से कि एक खास तरह की पर्सनालिटी के बारे में लोग सोचते हैं, कभी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया या बिंदास शुरू से ही थे कि? हालांकि मेरे मन में ख्याल आया जब हमारे यहाँ एक बंदा था बेचारा, वो मतलब ऋषि कपूर टाइप ऐसे दिखते थे, तो मैं देखता था यार ये ऐसा दिख रहा है तो इन्हें तो काम मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरे माताजी भी बोले बेटा तू अपने में मस्त रहे, जो भी चीज़ दिया है ना भगवान ने उसमें खुश रहे और यही तुझे आगे ले जाएगा। क्या बात। और आज वो मुकाम है कि आज मैं जहाँ पर हूँ। तो ये जो हरफन मौला मस्ती मौला वाला जो आपका एटीट्यूड है कि बस कर जाना, ये रंग कहाँ से आया? मेरे गुरु थे असगर खान। अच्छा। तो मैं थिएटर नहीं किया हूँ ना कभी, NSD से भी नहीं हूँ, BNA से, FTI से कुछ नहीं हूँ। उन्होंने कुछ सबक सिखाए कि ऐसे ऐसे करना, तो कई लोग ने पूछे कि इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ कैसे कर लेता है। भाई मैं स्टार हूँ न कि वो स्टार है, तो मैं कर जाता हूँ और मैं अपने में खेल जाता हूँ। और मुझे पता है कि जब तक आप समझ नहीं जाते हो कि भाई डायरेक्टर से मैं पूछ लेता हूँ क्या करना है, मैं अपना एक फिगर बना लेता हूँ, दिमाग में बैठा लेता हूँ ये सीन ऐसे करना है सर, एक रिहर्सल और बाद में टेक, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर कर लेते हो और उसके बाद काम आसान हो जाता है।
तो ये बहुत जरूरी बात होती है किसी भी नए एक्टर के लिए। ओके, जब आप एक्टिंग करते हो तो नॉर्मली जब एंटरटेन करते हैं तो उनको लगता है वाह यार एक्टर्स की क्या लाइफ होती है ना, है ना, लेकिन ये पूरी मेहनत का एक सीरियस बिजनेस है। बिल्कुल, है ना। तो ये जो मेहनत के बाद शाम को भी आप इतनी एनर्जी से भरपूर हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, है मस्ती मजाक कर रहे हो, ये अपने मनपसंद प्रोफेशन की है या कोई और बात है? नहीं, मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूँ, मतलब दुख हो सुख हो ऐसे ही हंसते रहना, गम आए या दुख आए मैं हमेशा ऐसे ही हंसते रहता हूँ। और जैसे मैं एक और कर रहा था तो बोले यार, एक वायकॉम 18 का एक प्रोमो कर रहे थे, इंग्लिश में रैप गाना था अच्छा खासा, तो मेरे में एक खास बात है कि मैं जब तक सेट पे रहूँगा एनर्जेटिक, खाली आपने बोले सर अभिषेक या हाँ सर, तैयार हो जाता हूँ। जैसे सेट छोड़ा फिर तो फिर एनर्जी वैसे ही डाउन हो जाती है, फिर आप बुला तो भी नहीं आऊँगा, मतलब तो जब तक हाँ फुल आलसी फिर ये लगता है कि भाई घर जाए फ्रेश हो नहाए धो खाना खा के सो जाओ। क्या बात है। लेकिन जब तक रहूँगा ना सेट पे एनर्जेटिक, और मैंने जैसे ही किया वो काम, जबकि हालांकि डायरेक्टर बोले भी कि अरे अभिषेक जी आप इतने मत, एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी, मतलब मैडम जब तक मैं हूँ ना एनर्जी वैसी बनी रहेगी, आप देखते रहो, वन टेक दिया था। क्या बात है। तो ऐसे में जब आप इतने अच्छे से काम करते हो, परफॉर्म करते हो, तो डायरेक्टर्स को आपके साथ बार बार काम करना चाहते होंगे? बिल्कुल, और ऐसा तो डायरेक्टर भी चाहते हैं कि मुझे अच्छा एक्टर मिल जाए, हम इनके साथ काम करें। हालांकि हुआ भी है, बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं, जैसे पहले ब्लैक मैजिक प्रोडक्शन हाउस था, एड फिल्म बनाते कियाना दादू डायरेक्टर थे उन, मतलब मैंने जिसके साथ एक बार काम किया एड या कुछ भी काम, तो उनको ऐसा लगता है कि अभिषेक चाहिए। जैसे कॉर्कज फिल्म के प्रसून पांडे जी, तो एक ऐड के तो लगातार 12-15 ऐड किए। जैसे सीरियल्स के तो वो भी बोलते कि नहीं अभिषेक ही चाहिए। तो मतलब पहली बार में आप ऐसा तड़का कर उनको उनको सुखा के आते हो कि बस वो बुलाते रहे बुलाते रहे। अब मेरा ये मानना है ना कि देखिए आप भी जानते हैं कि सबका बड़ा मालिक ऊपर बैठा हुआ है, वो खुश तो सब खुश। अब आपने भगवान से पहले एक ऐड मांगा 300 मिल गए, फिर आपने सीरियल मांगे तो सीरियल मिल गए, फिल्म मांगी तो बड़ी बड़ी फिल्में मिल गई। बिल्कुल, क्या मांगने का इरादा है? एक इच्छा है वो, लेकिन सीक्रेट है, जब हो जाएगा तब मैं गर्व से बोलूंगा कि हाँ अब मैं इस मुकाम पे पहुंचा। ओके, लेकिन बोलते ना इच्छाएं मरती नहीं है, फिर दूसरी पैदा हो जाती है, तो ये चलता रहेगा। ओके अभिषेक, बस लास्ट में ये बोलूंगा, आप इतने सालों से अच्छे से काम कर रहे हैं, दूर शहर से आए और मुंबई में अपना मुकाम हासिल किया है, आपके जैसे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर होंगे जो अपने लुक को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर परेशान भी रहते हैं और आसपास के अपने ही लोग ज़्यादा टोकते रोकते हैं। बिल्कुल, उनको क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ है वाकया कि लोग बोलते हैं यार तू फिट नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा, तो थोड़ा होता है, गंभीरता आ जाती है, उदासी आ जाती है। मैं बोला यार देखते हैं, ऊपर वाला बैठा है तो हमने स्ट्रगल किए काफ़ी सारे, जैसे कभी हमने सब्जी भी बेचे, रिक्शा भी चलाए, चाय भी बेचे, तो कुछ लोग मिलते हैं तो मैं बोलता देखिए पहली बात तो आप हौसला बुलंद रखिए, हिम्मत मत हारिए और एनर्जी बनाए रखिए। देने वाला ऊपर बैठा है, मैं नहीं हूँ, ना डायरेक्टर है, ना कोई नहीं देता। आप पहले टेक्निकल एकदम स्ट्रांग हो जाइए, मजबूत हो जाइए। आप थिएटर करते अच्छी बात है, लेकिन कैमरा एक्टिंग भी समझ में आती है, क्या एंगल है, कैसे देना है, किस हिसाब से देना है, कितना उसको टोन ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, कितना इधर जाना है, कितना उधर जाना है। टेक्निकल आपकी एकदम मजबूत हो जाएगी ना तो आप कर जाओगे। राइट। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि ऐसे होता है, आप लोग भी सीखिए, जैसे हम करते हैं आप एक एक बारीकी देखिए, हर एक एक्टर का देखिए, अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग बोलने का तरीका होता है, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, तो आप देखोगे तो आप उसको करते रहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी। हाँ, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिषेक खन्ना, बहुत अच्छी बात बताई। आप लोग परेशान होते हैं कि यार अप मार्केट एक्टर चाहिए, लेकिन आप अगर अपना मार्केट खुद क्रिएट करते हैं तो आपका मार्केट अप हो जाता है। लोग बोलते हैं रिच लुक चाहिए, अगर आप अपने लुक को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो लुक एक दिन आपको रिच बना देता है। बस मेहनत करिए, कैमरा एक्टिंग को अच्छे से समझिए और इसी तरह से आगे बढ़िए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक करिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है।